अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करते हूँ ठीक ठाक हो। सवाल अलहमदिल्ला सब ठीक हैं, घर माशाल्लाह सब ठीक ठाक हैं, अल्लाह की मेहरबानी। सुबह सुबह का टाइम है, हमारा काम काज भी शुरू हो गया, हमारी माशाल्लाह अच्छे अच्छे वीडियो भी शुरू हो गई। तो सुबह सुबह नाम उठ के अपना दूध निकाला, और दूध के बाद जो ना जानवर को घास डालना होता है सुबह सुबह, तो वो भी कर लिया। और लस्सी की तैयारी कर रही हूँ, बर्तन इकट्ठे कर रही हूँ। चौकियाँ दो हैं, एक सोफिया रख दिया, कौन सा रख दिया मैं तो देख रही हूँ। चौकी रखूँगी तो बैठूँगी। आप कुर्सी रख लो, हमें कुर्सी तो कैसे पूजो फिर आटा गूंद ले कर फिर मैं उठाती हूँ। हाँ ले जाए, फिर हो गई नहीं वैसे बैठ गए। अच्छा। चलो मैं ले जाती हूँ, फिर बना लूँ लस्सी। काल भी नहीं बनी, सारा दिन ऐसे गर्मी में आज बनाओ, फिर नाश्ता भी करते हैं लस्सी के साथ। जी जी, खान भी रोटियाँ को लगाते थे, काल दे रोटियाँ भी नहीं मक्खियाँ। तो आप ना फ्रिज में रखा करें ना, उधर जम जाएगा, देन को फ्रेज चलती है। वो उठे जमया रखे ना, काल जो देखी को दे रखे ना, फिर जम गया वो उठे दोबारा चार के, फिर इस टाइम बनाने ना तो वो फिर भी पक्के चल रहा जाते। हाँ हाँ, अच्छी नहीं बनती है इसलिए। चलो माशाल्लाह, दूसरा दिन है कितना रात भी ठंड पाएगी, खाक तो काफी ढेर पाएगी। हाँ, कल दिन भी इतना नहीं थी, तो रात भी दूसरा दिन ठंड लगती है। हाँ, अल्लाह करे मौसम ठंडा रह जाए। अच्छा, और तबीयत बिल्कुल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने कल बड़ी चीज़ें खाई, तो आज वो गैसियस बना हुआ है। कल इधर से गए तो इरफान भी ने कहा मेरा दिल कर रहा है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर का टाइम हो गया था तो कढ़ाई बनवाते हैं। मैंने कहा मैंने नाश्ता राज के खाया है तो मुझे नहीं दिल कर रहा, कहता है नहीं। फिर आधा किलो बनवाई, फिर आप खुद उसने एक या दो बोटियाँ खाई होंगी, वो ग्रेवी खा खा के ना बाकी मेरे साथ डाल दिया। मैंने कहा मुझसे नहीं खाई जाती, जितना मैंने जोर लगाया फिर भी बच गई थी। देखा शाहपुर में लेके आए थे और इधर कामरान मुनीब और सोबिया ने खा लिया, तो वहाँ से फिर जब चीज़ें लेके आए, उस खीरे उसके लिए चहरी डब्बा भी लिया, उसमें से भी थोड़े बहुत मैंने खा लिया। ऐसे चेक किया तो ये मटर कहती थी, तो वो ले आया, खीरे ले आया, तरबूज ले आए, बोतलें दो तीन बार पी ली। ऐसे रात को फिर आपके सामने क्या पकाया था? रात जैसे भी मैदा खराब हो गया था उस टाइम, रात को फिर भिंडी दूध शरबत पी लेता ना, फिर मसला ना बनता, और फिर भिंडी ने। हाँ, रात सारा रात ऐसे, और रात को मैं जब पासा फेरने लगता था ना तो ऐसा लगता था कि उल्टी आएगी उल्टी आएगी, सारी रात ये सोचता रहा। थोड़ी देर करके पानी डालते, फिर अभी जब उठने लगा तो फिर ऐसे, फिर मैंने आपको बताया पेपरामेंट शरबत पड़ी थी, वो अभी पी है। ठीक है, तो डॉक्टर बोल रहे उस टाइम जब मेरे मैदे में तकलीफ थी तो उस टाइम डॉक्टर पानी में डाल के दो बार दिया। हाँ हाँ, तो पानी में जो ज्यादा असर करती है। अच्छा ठीक है, हमें आप लस्सी बनाए, चौकी उधर फ्री हो गई आपके लिए, कर दी है आपकी बहू ने, बहुत दिल की बड़ी है। की मैं काम होसी, और इधर बैठा हमारा खान साहब, नवाब साहब, और सुबह सुबह खा रहा है केले, हमें हाल भी बताएगा कि क्या हाल है मेरा। चलो भाई, जकिया के पास बैठे हो, क्या खा रहे हो? साकेब अब केला खा लिया, अब साकेब को हम केले भी खिलाया करते हैं और अंगूर भी खिलाया करते हैं, कल इसके लिए भी लेके आए थे, मजे के होते हैं। बाबा कहाँ है? ओ ओ जात साकिब जात ऐसे करो जात। अम्मा किथे है? अम्मा कहाँ है? देखो कहाँ है, चलो अम्मा को जात करो। और सुनाओ जकिया, तू गुस्सा गुस्सा रहंदी, कल दोपहर को आप गुस्सा कर गई थी मुझे पता चला है, देगड़ी थे। हाँ। देख ची क्या है उसको, चाय तो पक गई थी, अम्मी ने भी पकाया, उसको तो कोई मसला नहीं हुआ। हाँ भनीज, अच्छा गुस्सा ना किया करो, थोड़ी बहुत चाय होती है बना लिया करो। ठीक है,
हाँ नमी ले आएंगे। देख ची आपको चाय के लिए नमी देख ची चाहिए। हाँ। कोई पड़ी नहीं है पेटी शेटी में सचा मी? नहीं। ये किस काम के लिए है ये? हाँ दूध जमीन है। इसी में वो रख दो दूध, उधर जमा दिया करो। ये जकिया को दे दो। ये भाजी वाली है? नहीं भाजी तो आप पतीले में पकाते हैं। पहले नहीं पके थे। नहीं जो अच्छा छोटी थोड़ी चीज बनानी होती है ना सालों थोड़ा। हाँ हाँ उसमें बनाते हैं। अच्छा फिर उसके लिए न्यू ले आओ, हमको कल ही बताते ना हम ले आते। कल आपने बाद में बताया जब हम वापस आ गए थे, वरना डेरा बखा से एक देखची ले आते जकिया के लिए न्यू गिफ्ट कर देते। खुश हो जाते जकिया। बस हम रह गए, आपने हमें बताया नहीं कल। अभी ना हम जा रहे हैं किचन में, थोड़ा इधर से भी गप शप कर लेते हैं। सोबिया चाय बना रही है सुबह सवेरे, और सोबिया भी पतीले में बना रही है। लगता है उसी देगची में पकाती थी, अब पतीले में शुरू कर दी। हाँ ये सुबह चाय ज्यादा होती है। अच्छा ज्यादा चाय हो तो फिर पतीले में पकती है। अच्छा ओ भारा भी आने वाला है। अपड़ो अपड़ो पतलो पतलो उडर दिए। हाँ अब मैं आया हूँ टिकाने पे, उधर से गुजर गुजर के ऐसे आया 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 आया। ओ कैसे काल आ गई, माल वालों की आई है। मुनीब को बोलते हैं गाय ले आओ। ये देखें जी चाय सुबह सुबह की सोबिया माशाल्लाह उठी है और चाय बनाना शुरू कर दिया। हाथ भी जला रही है वो, देखो इतने जोर से। कौन कहता है उड़ाओ चाय को? चाय को उड़ा रही हो तो ये बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। अच्छा हाँ जी। और सुनाओ तबीयत का कैसी है, फिट है फाट है? अम्मा ने सुकून है ना पूछे हाल, ना पूछे हाल साडे जो कहे हाल। वाह 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 वाह। आज ना मेरे हाथ में। अच्छा बिल्कुल खत्म थी बैठी हो, बुढ़ी हो गई हो, सोजन हो गई है। आप बुढ़ी हो गई हो? कल जब मैंने गोश्त खाया था ना वो बोटी फंस गई, उसको निकालने की बड़ी कोशिश की नहीं। अच्छा, निकली। खैर तो कीड़े आ गए, निकल गई है। हाँ। उस जगह पे सोजन हो गई है। और वो आपने लकड़ी मारी है ना, बड़े बड़े शतीर मार दिए। वारी चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और नमी ताजी की है तो सुना दो, नहीं तो फिर शुक्र अल्लाह। वक्त का क्या पूछ दो जरा, वक्त झाड़ू देना स्टार्ट कर दोगे? अच्छा झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि वो फिर अंदर वगैरह सफाई करके झाड़ू लगा के फिर तंदूर जल जाएगा। हाँ। फिर हमने पकानी है रोटी, रोटी अच्छा। वगैरह पका के। अच्छा चलो मुझे तो ना आज हम 12 बजे मशीन लगाएंगे। सही है गुड, ऐसा किया करो। आप ऐसे ही पहले ही टाइम पास करती रहती हो जब मशीन ही नहीं चलती, करंट नहीं होता। वो कन्वर्टर हम सारी रात चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं। वो बड़ी बैटरी वाली कन्वर्टर नहीं चलता फिर रात दा, इसीलिए तो नहीं चलती हमारी। अभी कन्वर्टर बंद किया है मैंने। अब उस पे मोबाइल नहीं लगाना, चार्ज होने देना, कपड़े धोने हैं। अच्छा जी हाँ जी ठीक है ऐसा ही कर लेंगे। हाँ कमरान आपके पास कॉल आई थी मुनीब के जानवर वालों की। अच्छा जैन दे खटड़े ते बैठी है और देख दी बैठी है कि कौसर क्या कर रही है, सोबिया क्या कर रही है, वो टप्पे लगा रहा है। वो हरकतें करता है, मैंने रात को उससे बोला, मैंने कहा कि साकेब मिठू जैन कहाँ है। हाँ जी कोई बुलाए ना फिर इतना जोर जोर से ऐसे टप्पे लगा के आता है। हाँ जी और इधर माशाल्लाह कौसर भी बारीक बारीक लकड़ी निकाल रही है जो तंदूर में जलाएगी। ये देखें कांटे वाली होती है ये, इधर तंदूर कांटे वाली लकड़ी जलाते हैं सारी। ऐसी बात है हाँ जी सारी कांटे वाली लेके आती हो? हाँ
ये तंदूर में ऐसे जलते हैं। हाँ सही बात है, माचिस भी नहीं है। वो इधर माचिस रखी है, वो ऊपर रखी है। माचिस दे दो, थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लो। नहीं हाथ ऊपर होगा। हाँ चलो ये लो, न्यू माचिस ले लो बस। और कोई हुक्म नहीं? और क्या हुक्म है मेरे आका? और कोई नहीं है, बस माचिस चाहिए। उस दिन आपने गाना सुनाया था ना परदेशों वाला, सबको बहुत अच्छा लगा, सब तारीफें कर रहे थे। मैं तो परदेशों के लिए वो सॉन्ग। हाँ मेरी आंख में देखो कुछ चला गया है, ये कचरा उड़ रहा था शायद, इधर से आ रहा है ना ये आग। मल्लो नहीं वो फिर वो रंगे चल जाती है। सब अच्छा तैयार करो, मुझे दो, मेरा ना वो उल्टी वाला इस्तेमाल जहन बना हुआ है, मतलब डकार आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उल्टी ही ना आ जाए, बोझ सा बना हुआ है। ठीक है चाय दो, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। अम्मी जान लस्सी बन चुकी है। हाँ जी माशाल्लाह बन, मक्खन भी माशाल्लाह निकल आया अल्लाह के फजल करम से। हाँ हाँ यह हमारी सुबह की लस्सी होती है जी, कल नहीं थी, किसी को मज़ा नहीं आया नाश्ता करने का, तो आज फिर से इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। रोटियां भी तंदूरी पक रही हैं, घी भी लगेगा, और अब्बू जान किसी काम से सुबह सुबह चले गए हैं, कभी कभी इमरजेंसियाँ भी बन जाती हैं। हाँ जी जी, कभी कभी सुबह सुबह भी काम पड़ जाते हैं, है ना साकिब? साकिब मक्खन नहीं खाया दादो से लेके, है मक्खन खा लिया इसने? हाँ इधर करीब तो आया हुआ था, मैंने देखा गाड़ी शाड़ी लेके, अभी अपने बाबा को देख रहा। वो अभी भी इरफान की तरफ ही देख रहा है, कब उठेगा? इसको खिलाते पिलाते रहा करो, केले खिलाओ, केले अंगूर सेब हर चीज खाता पीता है, मतीरा खरबूजे। हाँ खाएगा तो सेहतमंद हो जाएगा। बिल्ले को देख रहा, बोतल बोतल का तो शौकीन है अपने अब्बू की तरह। अच्छा जकिया इस्तियाना को भी उठा दो, चलो जल्दी करो, धूप हो रही है। उठाएगा साकिब को बोलो उठाएगा, चलो चलो साकिब उठाओ, साकिब उठाओ उठाओ साकिब उठाओ, है उठाओ है उठाओ, उठ देखा है ना, उठ नहीं जा, उठा साकिब उठा, मैं थे छेक गिने सवाल है। साकेब इधर ले आओ, अम्मी के पास ले आओ, आप काम करो, और आप जो है ना तंदूरी रोटी पका रही हो, ठंडी अभी नहीं होगी, अभी अभी तो उतारी है तीन रोटियां। बिशी 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 बिशी, वो कहता है मुझे वो चाहिए, नहीं ये खाता है गरम गरम। आप शाओ सालन वाली या मक्खन वाली? बिशी खा लो, उधर देखो। अच्छा इस ऊंट पे रखो, ये देखा ना, चेक करके छोड़ दिया उसने, नहीं खाएगा। अच्छा तंदूर लाल लाल हो गया था कौसर? हाँ जी हरा। लाल ही हो जाता है और कैसा होता है? हाँ हाँ वही वही, लाल हुआ तो रोटियां पक रही है ना, अगर ये नाना लाल ना होता तो कैसे पकती? फिर नहीं पकती ना, फिर हम कैसे खाते? हाँ ये ना रोजाना क्या ऐसे ही करते हैं, देखे सोबिया चौकी लेके ऊपर आके बैठ जाती है और कौसर नीचे खड़ी होके पकाती है। हाँ ये यहाँ पे देखचा रखती है ना जकिया, तो यहाँ पे सारी जो है ना वो कालवे होती है। अच्छा एक बार मैं वो जब लाल सूट पहना हुआ था ना, हाँ देखा पीछे सारा मेरा कमीज काला हो गया था। अच्छा आप जरा चौकी रख के बैठती हूँ। चलो खैर, हाँ जी जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, अभी आप रोटी पकाओ, नाश्ते का टाइम है, फिर खाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी
खाने की कुछ नहीं है। यही तो वजह है, डालते घी अलचोरी बनाए काल की तरह। हाँ, जो भी सब्जी हो बस रात के टाइम होती है। सुबह चाहे बात नहीं, चाहे बाद से भी जाए ना, सुबह दिल नहीं करता खाने को। सब्जी ऐसी चीज है। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह शाम आ जाएगी। नहीं, अगर आप लोग कहते हो तो आलू वगैरह तो मिल जाते हैं, बर्फ भी ले आऊं, आलू भी ले आऊं, अगर भुनाई कर दो तो। अभी कमरान गया, उसको पता नहीं पेट्रोल था, मैंने बोला पता नहीं था, वैसे ऐसे चला गया। एक अब्बू ले गया, अब्बू को कॉल करूंगा। आलू आलू ले आओ। अब्बू का कोई पता नहीं कहां बात है और किधर गए हैं। और कमरान है ना, इनका तो टाइम है 12 बजे है। चलो ठीक है, पता चल जाए। मैंने बोला कल जो घास लेके आया है ना, वो बिल्कुल थोड़ा था, आज कुछ ज्यादा लेके आना, इसलिए वो टाइम से भाग गया। हाँ, पाई खींच के ले गया। सही है। मिट्टी उठा दे, मम्मी को तंग कर रहा है वो, ऐसे करता रहता है तंग। हाँ, और क्या करे बेचारा, किधर जाए। मम्मा को तंग करो, रोटियां बना रही है। चलो इधर आग वाला काम है, इधर नहीं आएगा। हंसपैंक करता बहुत ज्यादा। हाँ हाँ जी, इधर क्यों डेरा लगा दिया, और ये भी देखें सब। सारी बरादरी आई हुई है, साकिब खान भी पहुंच गया। साकिब इधर पहुंच गए, बकरियां देखने। बकरियां कहाँ? खाला आई थी बकरियां छोड़ने। हाँ जी, मैं बकरियां छोड़ने आईया, तो मैं के मिली औसा ते बकरियां भी छोड़ी आवा। हाँ हाँ, इस गल ते सारे वाला इकट्ठे हो गए ने। सारे फिर आ गए। चलो माशाल्लाह। साकिब खाला के पास जाना है। हाँ चलो सही, खाला की याद आई थी। हाँ जी, साकिब जब गए थे अभी दूर थे, कहता था कि करीब थे तो आ जाते थे ना। अब कौ सर, एक मिनट और टिया, रोटियां ठाट जाएंगी। हाँ, खाला ने उठाया नहीं अभी तो, सब्बा ने उठाया, अहमद ने उठाया। वो देखो बाल खींच लो, खींच लो, खींच लो, खींचो, खींच लो, खींच लो। साकेब यार, किसी के बाल खींच लेता है। आजा जफ्फी पाला, भागो भागो भागो। बहुत मूंज आई है तेरी, याद आंदी है, बहुत ही याद आंदी है। हाँ, वो कह रहा सब्बा के बाल खींचने हैं। हाँ जी, चलो खींचो सब्बा, ये आपके बाल खींचना चाहता है। बू अहमद पर, अहमद ये है नहीं, बड़े बड़े नहीं था एक डन सब। आंखें चेक कर रहे हो, पकड़ते नहीं लिए देंगे। क्या कहती है सब्बा, क्या कहती है? ऐसे बोलती है। अब हाथ पै गए बालों। रोटी पकवा ली, कौसर कह रहे थे रोटी ठंडी हो रही है। रोटियों को अच्छा अच्छा उठाते हैं और डालते घी वाली चूरी बना देते हैं। अभी घास, अच्छा आप घास डालो, आप बना लिया करो। ये सोबिया बना देगी मुझे, मेरी खिदमत करेगी। आ जाता है उसको पहले टोटे टोटे करके फिर भरोड़ो दोनों हाथों से। ट्राई करो और ट्राई है तो जब जब आपको नाम बनाना है तो फिर अम्मी बना देगी। ऐसे शुरू तो करो। हाँ जी ठीक है। मिठी जिंदड़ी, जिंदड़ी मिंदड़ी, जिंदड़ी गुस्से में है। जिंदड़ी कहाँ है मेरी जिंद। चलो 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 घर चलो। मिठा पोत्र कितना बैठे, साकेब मिठू कहाँ है? साकेब इधर देखो यार मेरा, यार मेरा दिलदार, मेरा तो डाढ़ा सोना वद्दे थी मेरे वाल बटोने। इधर देखो, ए इधर कोई बुला रहा है आपको। इधर कौसर सोई हुई है और साकेब इधर।
नीचे खेल रहा है चटाई बिछा के ना, इस्तिहाना जकिया साकिब सारा सारा दिन खेलते हैं। उठ के बैठो इस्तिहाना, उठो उठो उठो, शाबाश। हाँ सीधी होके पीछे बैठो साकिब। नहीं बात करता हमसे भाई साकिब खान, वड्डा बंदा हो गया, नवाब हो गया, देखता भी नहीं कोई हमसे बातें कर रहा है, कोई हमारी तरफ देख रहा है कि नहीं। साजिदा किया यार, जाओ बर्फ ले आओ जल्दी। पहले कितने चक्कर लगाए आपको, बर्फ याद नहीं है? किसी ने कहा था, पैसे भी लेके जाते थे, बोतल भी ले आते थे, लेकिन आपको बर्फ याद नहीं थी। नहीं इसको नींद आई हुई है, नींद रहा उसी ना, वो देखो गुस्सा भी कर रहा है। गुस्सा भी करेगा,